मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं बुधवार यानी कि 25 नवंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित, और वो पंचांग के पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र की, और इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और संपूर्ण पंचांग का लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों आज का पंचांग आपको बताना आरंभ करूं, उससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामना दे दें उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप, आपके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चली जानते हैं बुधवार 25 नवंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत 5122, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, ऋतु हेमंत ऋतु, तिथि रहने वाली आज एकादशी। एकादशी तिथि आज रहने वाली जो कि अगले दिन सुबह के 6:14 तक रहेगा, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र आज रहेगा उत्तर भाद्रपदा जो कि रात के 8:22 तक रहने वाला है, उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज रहेगा वनिज, वनिज करण आज शाम के 5:21 तक रहने वाला है, उसके बाद विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा जो कि सुबह के 6:14 तक रहने वाला है। योग रहने वाला है वज्र, वज्र योग आज दिन के 9:43 तक रहने वाला है, उसके बाद सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा नहीं करनी है आपको। शुभ खाद्य आज का धनिया रहने वाला है, धनिया का एक दो दाना खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, कोई नया कार्य आरंभ करेंगे उससे आपके कार्य बनेंगे। चंद्र राशि आज आपकी मीन रहने वाली है, मीन राशि में चंद्रमा आज विराजित रहेंगे। व्रत त्यौहार में आज है हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत, इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तुलसी विवाह भी आज मनाया जाएगा, और आज के दिन से ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य जो कि रुके हुए थे अब आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि देव उठनी एकादशी के बाद, देव उठावन एकादशी के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो अब देखेंगे आप शादी विवाह मुंडन हर चीज का मुहूर्त निकलता ही चला जाएगा। सूर्योदय और चंद्रोदय की बात करें तो आज सूर्योदय रहने वाला है सुबह के 6:52 पर, और सूर्यास्त रहने वाला है शाम के 5:24 पर। चंद्रोदय होगा दिन के 2:46 पर, और चंद्रयास्त रात के 3:06 पर होने वाला है। शुभ चौघड़िया की अगर बात करें तो आज का शुभ समय रहने वाला है दिन के 10:49 से लेकर 12:08 तक, और आज का चर समय रहने वाला है दिन के 2:46 से लेकर 4:05 तक, और आज का लाभ समय दिन के 6:52 से लेकर सुबह के 8:11 तक, और आज का अमृत समय रहने वाला है सुबह के 11:00 से लेकर 9:30 तक। ये तो थी शुभ चौघड़िया। आइए जानते हैं राहुकाल और गोलिक काल की स्थिति को। राहुकाल आज रहने वाला है दिन के 12:08 से लेकर 1:27 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, असफलता हाथ लग सकती है। गुलिक काल जो कि शुभ मुहूर्त है ये रहने वाला है आज दिन के 10:49 से लेकर 12:08 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त आज ऐसा कुछ नहीं है। विजय मुहूर्त आज रहने वाला है दिन के 1:53 से लेकर 2:35 तक, और आज का गोधली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 5:12 से लेकर 5:36 तक। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग बताया है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।